ढाका में बैटरी की दुकानों का ताला टूटता है, सोना चांदी के दुकानों का ताला टूटता है, घोड़ासान में सोना चांदी का दुकानों का ताला टूटता है। देखिए आज जो घटना सिरीपुर चौक पे जो घटी है, आज पुनः एक बार एक भाई का दुकान तोड़ा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ढाका विधानसभा में ये छठी घटना है, पांचवी से छठी घटना है जब सुनार भाई का खासकर आप दुकान तोड़ रहे हैं। तो ये कोई ना कोई तो गिरोह काम कर रहा है जो सॉफ्ट टारगेटेड सुनार भाई को बना रहा है, सोना चांदी के दुकानों को बनाया जा रहा है। प्रशासन की गश्ती कहाँ है जब ठंड है, कुहासा है, तो प्रशासन कहाँ है? चौक पर, बिल्कुल चौक पर जहाँ गांव के बीच में बना हुआ चौक है, घोड़ासान से बिरता चौक से जब आप आते हैं झड़ौखर की तरफ जाएंगे तो उसी चौराहे पर ये दुकान स्थित है। ढाका में बैटरी की दुकानों का ताला टूटता है, सोना चांदी के दुकानों का ताला टूटता है, घोड़ासान में सोना चांदी का दुकानों का ताला टूटता है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर इस पर प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? मतलब सारे सुनार यहाँ से चले जाएं, ढाका विधानसभा से सारे व्यवसाय करने वाले लोग चले जाएं ढाका विधानसभा से? क्या हमारे जो प्रतिनिधि हैं और जो हमारी जो प्रशासन है यहाँ पर, क्या इतनी लाचार हो चुकी है कि कुछ मुट्ठी भर लोग आते हैं, शटर तोड़ते हैं, दुकान को तोड़ते हैं, सीसीटीवी कैमरे को भी ले जाते हैं, इतने एजुकेटेड लोग हैं? गोलियां मिल रही हैं हजूर, अगर उसमें कोई सोया होता तो आज उसका उसकी मौत निश्चित थी। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है यहां का जनप्रतिनिधि? केवल सड़कों के ऊपर बोर्ड लगाने में व्यस्त है यहां का प्रतिनिधि, और वो भी सड़क आप देखिए सामने वो सड़क है जो बिरता चौक से मिडिल स्कूल होते हुए सिरीपुर आता है और झड़ौखंड की रोड को कनेक्ट करता है। क्या हुआ 6 महीने पहले? आपने उसका फीता काटा, नारियल फोड़ा, खुशखबरियां बांटी, मिठाई बांटा, लड्डू बांटा, अखबारों में छपवाया, क्या किया आपने? आज तो रोड जो है इनकम्प्लीट है ना, रोड जो है वो तो इनकम्प्लीट है। माननीय सांसद सिरीपुर में आती है और रोड का जो है शिलान्यास करके, नारियल फोड़ के, मिठाई दे के चली जाती है। क्या हुआ? आज वकील शर्मा जी के घर से जो डमार पे जाना है, डगर पे जो जाना है, जो सड़क, उसका क्या हुआ? ईंटे उखाड़ के आप और उसको छोड़ दिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल वोट लगाने